नीचे गिरीना लगा रही है नाश्ता, नीचे डाल रही है संतो चंद पापड़ी वगैरह बिस्कुट सब, और इधर अभी मामू बना रहे हैं चिकन, रेडी होने वाला है, हो गया। तो हम लोग नाश्ता ले लिए, हम भी ले लिए, इधर अजय भी है, उधर रीना है, थोड़ा हाथ में नहीं अट रहा था तो सभी को बांट लिए। चलिए अभी सभी को बैठे हुए हैं, इसलिए उन लोग को नाश्ता दे। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी दोपहर होने वाला है, पर आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे हम लोग घर का पूरा साफ सफाई कर रहे थे, दोनों घर का, बाकी ये घर भी पूरा एकदम साफ सफाई करके, देखिए घर धो लिए हैं और आंगन भी लिपा हुआ है पूरा। तो अभी चलेंगे नहाने, हम नहाए थे सुबह में ही, लेकिन घर साफ सफाई करते करते पूरा गंदा हो गए, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हम नहाइए नहीं है, पर पूरा गंदा हो गया, धूल लग गया पूरा। तो चलेंगे, वाइट वाइट है ना तो ऐसा ही हो जाता है, बाकी कैमरे में तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन गंदा हो गया पूरा। तो अभी चलेंगे फिर से नहाने के लिए तालाब और नहा के आएंगे, क्योंकि आज आने वाले मेहमान, करम का जो होता है ना संदेश पहुँचाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और नहा के आते हैं तालाब से। तो ये देखिए हम लोग का तालाब पूरा एकदम भर गया है, हम लोग गाँव में दो तालाब है, एक देखिए उधर नीचे है वो भी पूरा भरा हुआ है, ये भी जोड़ा तालाब है और काफ़ी फ्रेश पानी है, नीचे हम लोग नहाते हैं। तो अभी दोस्तों तालाब आ गए हैं और ये देखिए तालाब काफ़ी भरा हुआ है और पूरा एकदम फ्रेश पानी है, ये देखिए बरसात के दिन में ना पूरा भर जाता है। पहले हम लोग ये इमली का पेड़ चढ़ के ना पूरा झाँप देते थे यहाँ पर, लेकिन वो डाल अब टूट गया, अब ऐसा नहीं करते, बचपन का दिन ही अलग कुछ था, पूरा हम लोग झाँप दे दे के नहाते थे। तो अभी चलिए नहाते हैं। तो दोस्तों अभी नहा लिए मस्त एकदम, चलिए अब चलते हैं घर। तो दोस्तों घर आ चुके हैं और पूरा फ्रेश लग रहा है अब, और ये देखिए घर भी पूरा फ्रेश हो गया, नहाने से पहले धो रखे थे और सूख गया, कहीं कहीं नहीं सूखा है, बाकी पंखा चला दिए हैं तो सूख जाएगा अब। बाकी अब थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, तो अभी चलिए कुछ कुछ तैयार करना होगा, नाश्ता वगैरह और खाना वाना भी बनाना होगा, माई लोग बना रहे होंगे अभी। तो दोस्तों अभी शंकर जी लोग आ गए हैं, जाके बैठे हुए हैं वो घर में, और देखिए रीना लगा रही है नाश्ता, नीचे डाल रही है संतो चंद पापड़ी वगैरह बिस्कुट सब है, लगा जल्दी। और इधर अभी मामू बना रहे हैं चिकन, रेडी होने वाला है, हो गया, थोड़ा देर बाकी है, हो जाएगा 10 मिनट में। तो दोस्तों हम लोग नाश्ता ले लिए हैं, हम भी ले लिए हैं, इधर अजय भी है, उधर रीना है, थोड़ा हाथ में नहीं अट रहा था तो सभी को बांट लिए। चलिए अभी सभी को बैठे हुए हैं, इसीलिए उन लोग को नाश्ता देते हैं अभी, आओ चलिए अब सभी को नाश्ता खिलाते हैं। चलिए अब पानी ला के देते हैं, अब गिलास रहती है ना, नाश्ता सभी को नाश्ता दे दिए, चलिए अब पानी देते हैं, दो नीचे रख दीजिए लीजिए लीजिए। बहुत पैसा ला, पानी ला, लेकिन जमीन में साफ आ रहा है, इसे कोनो पार हो ना, घर में बहुत पैसा है, जाता। तो अभी सभी को नाश्ता पानी दे दिए हैं, खा रहे हैं वहाँ पर बैठ के, चलिए वेट करते हैं अभी, लोग बाइक में आए हुए हैं और पानी छोड़ के अभी पानी दे रहा था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद जाएंगे खाना वाना खा लेंगे, अभी बन रहा है उधर। तो नाश्ता वगैरह करके आ गए हैं छत के ऊपर, अभी आए हुए घर में, वहाँ पर ना गर्म रहता है थोड़ा, ये घर में ऐसा ही होता है, पंखा भी चलेगा ना तो फिर गर्म ही लगेगा, गले टाइप से है ना, हवा चार तरफ से हवा ही नहीं पे सकता, यहाँ देखे बहुत ज्यादा गाँव है, हवा ऊपर जाता ही नहीं, प्लस में उधर भी छत है और इधर भी है, चारों तरफ, और गली थोड़ा छोटा है इसी चलते हवा भी उतना नहीं जाता है, इसी चलते ऊपर आ गए हम लोग भी, चलिए यहाँ पर थोड़ा हवा लगता है मस्त, अच्छा लगता है, उधर बगल बनाए खुला जगह में अच्छा ही लगता है, देखिए उधर खेत बारी इधर पूरा है, आप तो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, नहीं फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, लेकिन रात में आए थे पहले, हम भी पहले नहीं जान रहे थे, जब बाद हम कब जाने, जब आप वहाँ गए थे ना इनका बड़े भैया का घर, तब ये हमको बताया जाए कि वो शंकर जी का सही है, नहीं तो हम नहीं पहचान रहे थे, तो हम लोग टेंट में तो एक ही साथ रहते थे जी, वहाँ पर तो गए थे जी, मेरा घर नहीं गए थे, अब गए थे लेकिन हमको उतना पता नहीं कि आप ही है, लेकिन अब जानकारी पता चल गया, कुछ काम था अंडा का,
ओ हाँ हाँ तभी लेकर के तो अंडा ले आना था तो आप ही के घर गए थे ना। हाँ इनका घर गए शादी का अथी था ना तो हम थोड़ा उधर बाजल थे पहले भी शादी में तो हाँ इधर उधर दिखाते भी थे टेंट जब बनता था तभी तो भी दिखाए। हाँ अपना अभी काम में बिजी होंगे वीडियो नहीं देखते कोई बात नहीं तो सैया है इनका चैनल का नाम है अनिल नमिता ब्लॉग्स जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा ये भी वीडियो बनाते हैं काफी अच्छा वीडियो बनाते हैं मेहनत पूरा करते हैं सपोर्ट कीजिए है ना। चलिए इधर का वातावरण अच्छा लगता है ससुराल का आप तो बहुत देखे आप देखिए हवा चलता है उधर खेत है ना और अच्छा लगता है उधर जाते हैं ना अच्छा लगता है और अच्छा उधर लगता है बाहर में मतलब खुला जगह में पूरा अच्छा लगता है और एक जगह में रहिएगा अभी घर के अंदर में जैसे अभी बैठल थे अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन बाहर आए तो अभी ठीक लग रहा है है ना। हवा खाइए यहाँ का तो भी छत से आ गए नीचे खाना वगैरह सब बन गया है यहाँ पर भात बना हुआ है और यहाँ पर है चिकन देखिए काफी मस्त बनाए हैं मामू जी आए तो वही बना दिए हैं चलिए यहीं पर खाएंगे बिछाइए बिछाइए क्या मुनी ये वाला नहीं है आपका ये फुटबॉल खेलने का है जो पैर में लगाते हैं ना सेफ्टी वो है मिला था हमको तो हम तो फुटबॉल नहीं खेलते हैं अभी रख देते उधर चलिए बिछाई लेकर रीना किधर गई उधर गई अच्छा बिछाइए चारों तरफ एक ही साइड में हो जाएगा क्योंकि बारा क्या हुआ मुनी सुता यहाँ सुता हाँ सुता सुता सुतो सुतो हाँ मिठाई लाए बाद खावा हो जाएगा इतना ना हाँ अभी बिछा दिए दोनों साइड लेते हो जाएगा चलिए अब उन लोग को पानी देते हैं और बुलाते हैं चलिए अभी पानी देते हैं इन लोग को आइए धो के हाँ। तो अभी सभी को खाना दे दिए हैं खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं बढ़िया है ना ठीक है खाते तो भी खाना पीना हो गया है सभी हाँ, खाना खा लिए पूरा हम लोग खा लिए और रात हो गया पूरा हाँ, रात भी हो गया है चलिए थोड़ी देर रेस्ट कीजिए उसको थोड़ा देर आराम बैठे हाँ ज्यादा दूर नहीं है टेंशन नहीं इतना वो तो बात है घर ही तो है और गाड़ी से जाना है कि इससे भाड़ा गाड़ी से जाने से दिक्कत था का बाइक में आए हुए सभी का अपना अपना थोड़ा देर कोई दिक्कत नहीं चलेंगे अभी खाना खा के उठे हुए तो थोड़ा सा बैठ लेते हैं उसके बाद हाँ चलिए घर में बैठ लीजिए हाँ। लेकिन वहाँ पर गर्म देगा बहुत बाहर रहेंगे चलिए ठीक है बाहर हम बैठते हैं इधर और अभी इन लोग चल दिए घर हाँ ठीक है बढ़िया जाएगा हाँ हाँ चलिए पापा जी उधर है और इधर शंकर जी इन लोग थोड़ा पानी आया तो कीचड़ हो गया ठीक है बढ़िया जाएगा ना तो अभी दोस्तों सारे मेहमान चले गए हैं अब हम लोग खाएंगे भूख लग गया है काफ़ी जोरों से एक बार खाए हुए हैं रजय भी मेरा ही साथ है तभी ऐसे देखिए अभी हम लोग को खाना लग गया है चिकन भात प्याज रजय का भी लगा है और उधर अभी खा रहा है और रीना भी एडिटिंग कर रही थी तब कॉल किया खाओ रीना तुम भी खाओ दीदी को भी बुला रहे हैं चलिए अब हम लोग खाना खाते हैं